अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी शुगल मेला, थोड़ी मस्तियाँ, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ लैब में, क्योंकि लैब में तो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को पता है कि इतनी आसानी से तो होते नहीं हैं, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए और मेरा तो फर्स्ट डे है, लेकिन मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। साथ में एक दो सीनियर हैं, वो मुझे गाइड करेंगे और मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लूँगा। सही ना हो सका तो कम से कम काम ख़राब तो करूँगा ही। तो चलें अब चलते हैं अंदर लैब की तरफ ही। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख के, आप लोगों को भी आएगा मज़ा और मुझे भी आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना बड़े मज़े का काम है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन यह कि मज़ा आता है। तो चले आए, अब हम चलते हैं अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ लैब में, तो अभी कुछ तजर्बे करते हैं, देखते हैं कि तजर्बे हमारे ठीक होते हैं या गलत होते हैं, लेकिन मज़ा आने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। पर जो भी होगा आपके सामने ही होगा। अभी एक लड़के ने अपना एक्सपेरिमेंट तो लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये अभी चल रहा है। ये कभी एक लड़का लगा के गया है अपना एक्सपेरिमेंट, ये 24 आवर्स का है, ये आप देख सकते हैं। ये भी और अभी बारी है मेरी, अब मैंने पंगे करने हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, घर का ओवन तो सबने देखा हुआ है तकरीबन, और ये लैब का ओवन है, लैब में ये ओवन इस्तेमाल होता है। और ये मशीनरीज हैं, ये मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स करने के लिए रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। इसका जो प्रोजेक्ट है वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट करता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते होंगे काफ़ी सारे लड़कों ने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, कुछ अभी तैयार कर रहे हैं। वाह, ये बड़े मज़ेदार मशीन है यार, पीछे टेस्टिंग करने के लिए अच्छी खासी बड़ी मशीन है। और ये भी रखी हुई है, अभी नाम वगैरह नहीं पता मुझे, आस्ता आस्ता सीख जाऊँगा सारे नाम। तो लैब तो बड़ी मज़ेदार सी लग रही है, अभी लैब का काम जब स्टार्ट करेंगे तो फिर बेहतर आइडिया हो जाएगा। अभी ये मेरे हाथ में लैब कोट है, लेकिन अभी मैंने पहना हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वाइट पहना है, तो फिर लैब कोट पहनने का फ़ायदा नहीं। अभी ज़रा ये घूम ही जा रहा है बार बार, ये आप देख सकते हैं, तो इसको चेक तो करें, ये है क्या चीज़, इसको अभी हम चेक करते हैं है क्या चीज़। पता नहीं है क्या, बरल जो भी है अभी थोड़े टाइम बाद मैंने भी करना है। दोबारा से रख देते हैं यार, ये ना वो खराब हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ लैब में, अभी मज़ीद मेरे साथ है कोई भी नहीं, आ रहे हैं लड़के, तो अभी फ़िलहाल कोई साथ आएगा कुछ बताएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्या रखा हुआ है, अब पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल होगा। अभी कोई आए सीनियर तो उससे पूछते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है। अभी इसको वक्ति हम रख देते हैं। और ये क्या रखा हुआ है, पता नहीं ये क्या रखा हुआ है, चलिए ट्राई करते हैं। अभी कोई आता है तो उसके बाद हम देखते हैं। अभी ये देखें, काफ़ी आइटम्स पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी मुझे किसी का भी पता नहीं है कि इस्तेमाल किस तरह होनी है। लिक्विड्स भी काफ़ी सारे किस्म के रखे हुए हैं इधर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विड्स। अब ये देखिए, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इधर रखे हुए हैं, ये भी रखे हुए हैं, उसके बाद ये भी रखे हुए हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, अभी ये देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे इस्तेमाल किसी का भी नहीं पता, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं। यहाँ पर भी रखे हुए हैं केमिकल्स, ये बैक साइड पे केमिकल्स रखे हुए हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट करके इसमें रखा हुआ है,
अभी बाकी की मस्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करूँगा। अभी आज का तो पहला दिन था, स्टार्ट नहीं किया। मज़ीद जो एक्सपेरिमेंट्स होने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ साथ आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।